गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू वैन ऑफ गाइस। सो गाइस नाउ मैं अभी अपने हॉस्टल में एक्चुअली एंड अभी मॉर्निंग 8:30 बज गया है। एक्चुअली ना मुझे अब यहाँ से जाना है काठमांडू के लिए, क्योंकि ना पोखरा ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पे होगा, जो भी यहाँ पे अगले मुझे ब्लॉग करना था हो गया। सो मैं अभी के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कुछ यहाँ पे वाईफाई लगा है ना, सो मैं इसलिए मैंने सोचा कि जो भी यहाँ पे रिकॉर्ड किया एंड एडिट किया इसको फिनिश करूँ, जाके आगे के लिए मेरे कोई इतना दिक्कत ना। सो अभी के लिए ना अभी तो मैं यहाँ से चलूँगा, मे बी आप बस मिल जाएगा तो मॉर्निंग में शाम को शायद काठमांडू पहुँच जाऊँगा, तो देखता हूँ। अभी के लिए कुछ ऐसा है मेरा हॉस्टल, वो देखो वाईफाई लगा है ना, तो मैंने सोचा वीडियो अपलोड ही कर दूँ ये। और मेरा इस साइड अभी दिखा कुछ इस टाइप का मेरा वाला रूम है, मैंने दिखाया नहीं था, मैंने सोचा दिखा दूँ। ओके बैग तो है ये रेडी भाई, रहा सो अभी इसे कह दूँ एंड नाउ बैग पैक इज रेडी एंड चलते हैं हम यहाँ से। देखो मेरा भाई बैग बहुत ही भारी है, चलिए क्या करें, थोड़ा बहुत घूमने के लिए बैग हो ही जाता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके बहुत ज़्यादा हो जाता। एक्चुअली ना यहाँ का कुछ दिखता है हमारा का कुछ ऐसा एरिया, और देखता हूँ कहते हैं कि यहाँ से आती है बस, देखता हूँ अगर यहाँ से मिल जाती है पृथ्वीराज के लिए, क्योंकि मुझे जाना है यहाँ से, मतलब पृथ्वीराज करके है बस पार्क कि वहीं से मिलता है ना काठमांडू वगैरह कहीं भी जाने के लिए बस। सो अभी देखते हैं, वेट करते हैं। एक्चुअली मुझे लगता है ना अभी यहाँ से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलता रहूँ, क्योंकि थोड़ी चलता रहूँगा अभी पीछे बस आएगी, खुद उसको मतलब हाथ देकर रोक लूँगा, क्योंकि यहाँ पे खड़े होना भी कोई फ़ायदा नहीं मुझे लगता है। तो अभी देखते हैं आती होगी बीच से बस। एक्चुअली बस मिल चुकी है पृथ्वी चौक के लिए, वहाँ से मिलेगा काठमांडू के लिए बस, तो अभी 10 मिनट में तो पहुँचा देगा। एक्चुअली बस यहाँ पे ऐसे क्या बोलते हैं पृथ्वी चौक बोलते हैं, मतलब वहाँ के नियर बाय के उतार दिया और 40 यानी 40 रुपये ले। और मैं आपको बताऊँ, अगर आप नेपाल में कहीं भी घूमो अवॉइड करो टैक्सी, टैक्सी एक्चुअली इसका प्राइस ओवर प्राइस्ड होता है। सो बेस्ट रहेगा कि आप यूज करो बसेस, क्योंकि बस का ना प्राइस सही लेते हैं भाई, 40 रुपए में आ गया। पर फिर अगर मैं टैक्सी लेता ना तो मैं भी 300-400 ले लेते नेपाली, 300-400। यहाँ है ये है कोई पृथ्वी चौक, और यहाँ से निकलते हैं, मुझे लेना है अभी बस काठमांडू के लिए थोड़ा आगे से। 8:30 बजे निकल लिया पोखरा से काठमांडू के लिए बस के लिए, अभी देखते हो बस कितने बजे मिले। अगर मैं भी यहाँ से 10 बजे भी चलूँगा तो शाम तो नॉर्मल सी बात है, शाम हो जाएगा। और एक्चुअली ना मैं वहाँ पे गया हूँ ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता, बट अगर आपको जाना है लाइक काठमांडू तो कोशिश करो यहाँ से निकलो आप शाम 6-7-8 बजे वाली बस में, क्योंकि आप रात में 6-7-8 बजे वाली बस से जाएंगे तो मॉर्निंग में मैं भी आप पहुँच जाएंगे आराम से, तो आराम से मॉर्निंग में पहुँचेंगे तो इतना आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर रात में पहुँचते ना तो आपको मे बी फर्स्ट टाइम अजीब लग सकता है। तो आप ये देख के पता कर सकते हैं कि है पृथ्वी चौक, उस साइड से मैं आया था और कुछ ऐसा दिखता है यहाँ का पृथ्वी चौक। और ये जो साइड की शॉप लगी थोड़ा आगे चल के मिलती है यहाँ से बस के लिए टिकट, तो अभी देखता हूँ कहाँ पे है बस का काउंटर और फिर एंड देखो मैंने कहा था ना वो साइड में आगे दिख रही है बस, ये हो गया काउंटर। यहाँ से पूछता हूँ काठमांडू के लिए कितने बजे मिलेगा। एक्चुअली ये जो काउंटर है ना, काउंटर पर मैं गया तुरंत कह रहे हैं कि वो बस खड़ी है आप देख लीजिए, वहाँ पर तो मुझे टिकट नहीं लेने पड़ा, पर उसका काउंटर दूसरी जगह है। ओके मैं एक बार आपको कुछ ध्यान देने के लिए दिखा दूँ, ये पृथ्वी चौक और ये वाली बस बता रहे भैया कि जाएगी काठमांडू, सो इसका काउंटर मैं चेक करता हूँ। सुनोली नहीं भाई ये वाली बस, बस भी ओके है यार, इसका मैं नंबर दिखाऊँ, ये जाएगी पोखरा टू काठमांडू। भाई इसका काउंटर कहाँ पे है? नहीं काउंटर लेफ्ट साइड में है, यहीं पर है। अच्छा यहीं पे मिल जाएगा टिकट। एक्चुअली ये जो बस पीछे खड़ी है ना ये जाएगी काठमांडू, काठमांडू में भी कह रहे थे कि शाम को पहुंचा देंगे भाई, ये भी शाम 6 बजे तक तो पहुंच जाएगा। इसका जो मुझसे पैसा लिया है 800 नेपाली रुपये, इट्स लाइक 500 इंडियन रुपये, 500 रुपये, तो हाँ डील अच्छी है यार, 500 रुपये तो नॉर्मली पड़ ही जाता है यहाँ से डायरेक्ट के लिए अगर पड़ोगे, और सही है यार भाई बस। एक्चुअली मैं अभी एक हूँ रेस्टोरेंट में, एक्चुअली है ना मुझे सुबह से मॉर्निंग हो गया, अभी चाय नहीं मिला है, तो भाई मॉर्निंग में अगर चाय ना हो तो
मेरा सर वगैरह दर्द करने लगता है, तो नॉर्मली से बात है, चाय तो जरूरी है। अभी बस खड़ी है भाई, ना चले जाए तो यहाँ से जल्दी पीते हैं, चलते भाई। लग रहा है बस चलने वाली है क्या? चलो यार बैठते हैं कहीं अपनी एक अच्छी जगह। मैंने ना फ्रंट सीट ली है बस की, सबसे पहले वाली जहाँ पे कंडक्टर बैठता है ना, यहाँ से देखेगा बस, क्योंकि वीडियो वगैरह बनाना होगा। एक्चुअली यहाँ पे बस कहीं रुकी है अभी, आई डोंट नो कहीं आउटसाइड है, मुझे यहाँ का नाम नहीं पता। आपको मुझे दिखाना था थोड़ा व्यू, पहले वो ऐसा कुछ दिख रहा है अभी। और ना यार मुझे लगा था भूख यहाँ पे कुछ, अभी इंस्टेंट खाने वाला कुछ है नहीं, बस कह रहा है 2 मिनट रुको, ऐसा क्या यार भाई। रियली ना जो ये लोकल बसेस होती हैं उसमें यार प्रॉब्लम्स होती हैं यार, टाइम से कहीं रुकता भी नहीं, कुछ खाने वगैरह को हो तो अच्छे से मिल भी नहीं पाता। और जो होती हैं गवर्नमेंटेड उसका सिस्टम कुछ अलग ही होता है, वो हर जगह रुकता रहता। सो अभी ऑलमोस्ट शाम के बजे हैं 5, और अभी मैं भी 1 आवर लग जाएगा काठमांडू के लिए, यहाँ से अभी कम से कम 30 किलोमीटर बचा है अभी भाई। रियली सुबह से यार शरीर दर्द करने लगता है भाई, बस में 8-8 घंटे बैठना, रियली हालत बेकार हो जाती है अभी। एक बात है भाई, पहाड़ जो होता है ना देख देख के जहाँ जितना भी हो जाओ, मगर मन नहीं बता, देखो भाई कितना सुंदर है। मैं जहाँ भी जाओ बस भरपूर लाइक सुंदर सा है भाई है। मैं भी अभी 10 मिनट में निकल जाएंगे, तो शाम अंधेरा हो जाएगा काठमांडू पहुँचते पहुँचते। भाई लोग आ चुके हम फाइनली काठमांडू, और काठमांडू में बज गया अभी 7 बज गया रात के। और अभी तो आप जानते कहीं भी जाओ अब रहना का मुझे बनाना है प्रबंध रहने के लिए, सो अभी तो मैंने हॉस्टल बुक कर दिया है अभी के लिए, देखते हैं मैप से और चलते हैं यहाँ से। अभी रात में कुछ ऐसा दिख रहा है काठमांडू का एरिया, रात का माहौल कुछ ऐसा है अभी। और जब मैं पहुँचूँगा अपने हॉस्टल एंड उसके बाद मैं करूँगा वहाँ पर अपना बैकअप पैकअप जो भी है, और फिर वहाँ आराम से करूँगा, फिर नाइट लाइफ घूमूंगा मैं भी। नेक्स्ट वीडियो में आपको नाइट लाइफ देखने को मिले, अभी के लिए तो मेरा मेन टारगेट है मेरा हॉस्टल ढूंढना, सो चलते हैं यहाँ से अभी। एक्चुअली ये वाला जो मार्केट है ना थमेल का है रास्ता, ओके अभी यहाँ से मेरा ऑलमोस्ट 500 मीटर है हॉस्टल। भाई पैदल चलते चलते इतना मेरा बैग गया है थोड़ा टूट, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा चलने में, थक भी गया रियली। आज तो मेरा लगता है मैं कुछ भी नहीं घूम पाऊँगा नॉर्मली, जाके बस खतरनाक वाली नींद लेना है। और ये है सब टोटल थमेल का एरिया, थमेल मार्केट, यू नो। सो भाई लोग मैं आ चुका हूँ अभी अपने हॉस्टल में एक्चुअली।